हेलो यो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। और आज हम इसमें करने वाले बच्चों आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का दूसरा भाग। बच्चों तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो इसमें बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। यानी CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे गति करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव बाय द डिफ्यूजन एंड H2O मूव्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रसार द्वारा गति करती है और वाटर या H2O कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रसारण द्वारा गति करती है। बच्चों प्रश्न संख्या 2 देखते हैं बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक प्रागण्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट्स अलाउड द एंट्री एंड एक्सिस्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस नॉट ऑल। यानी इसे चयनात्मक प्रागण्य झिल्ली कहा जाता है क्योंकि यह कुछ पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, सभी की नहीं। बच्चों तो बच्चों पार्ट 2 में आपके 2 ही क्वेश्चन थे और ये दोनों के दोनों मैंने आपको सॉल्व करा दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।